Please subscribe to my channel and hit the bell icon for my latest art posts. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक वीडियो ट्यूटोरियल के बारे में जिसमें मैं आइवरी शीट पे कुछ ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे ये पूछते थे कि आप डिफरेंट पेपर पे ड्रॉ करके दिखाइए कि कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। और इसके पहले जो एक वीडियो बनाई थी जिसमें शेडिंग्स की, डिफरेंट टाइप ऑफ शेडिंग्स की बात की थी, तो उसको भी थोड़ा सा ब्रीफ करके बताऊंगा मैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं एक सेलिब्रिटी को ड्रॉ कर रहा हूँ और फर्स्ट एपिसोड है, इसमें केवल आइज़ पे बात करेंगे। और जो नेक्स्ट इसके वीडियोज़ आएंगे सीरीज़ के, एपिसोड 2 और 3, उस पर फिर अदर फीचर्स पर बात करेंगे। और शुरुआत में देखिए, यहाँ पे मैं आउटलाइंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइवरी पे हमेशा बहुत ही हल्के प्रेशर से शुरुआत करनी चाहिए और बहुत आप तेज़ी से नहीं जा सकते और बहुत डार्क नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि फिर उसके बाद उसमें चेंजेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आइवरी कंपेरेटिवली स्मूथ पेपर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्ट्रिज पेपर्स। तो इसलिए फिर यहाँ पे हमें काफ़ी हल्के हल्के ड्रॉ करना होता है शुरू में। आप बी पेंसिल ले सकते हैं या फिर 2B ले सकते हैं ड्रॉ के लिए। तो यहाँ पे मैं आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, मैं तो पेंसिल मेजरमेंट को ही ऑप्ट करता हूँ, तो उसी से मेजर करके ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। आप ग्रिड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ड्राइंग के लिए कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पेपर ही यूज़ करेंगे तो ही ड्राइंग अच्छी होगी। डेफिनेटली कुछ पेपर के कुछ फ्लॉज भी होते हैं और कुछ पेपर के कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, बट एट द सेम टाइम आपको लर्न जैसे करना है तो आपको ये स्किल आनी चाहिए कि किस पेपर पे आपको किस तरह से इनिशिएट करना है, कौन कौन से प्रोसेस यूज़ करने हैं, क्योंकि हर पेपर की प्रोसेसिंग अलग अलग तरीके की होती है। तो आप एक ही प्रोसेस से सभी पेपर पे सेम रिजल्ट्स नहीं पा सकते। तो अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स पाने हैं तो हर पेपर पे आपको प्रोसेस को समझना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे जैसे देखिए, मैंने अब आउटलाइंस ड्रॉ कर ली हैं बहुत हल्की हल्की। उसके बाद अब मैं फर्दर 4B पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ और स्टेडलर ब्रांड की 4B पेंसिल है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है, तो मैं यहाँ पर स्टेडलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और 4B पेंसिल है ये, ग्रेड उसका 4B है। और मुझे ये लगता है पर्सनली कि 4B पेंसिल सफिशिएंट है ग्रेफाइट ड्राइंग के लिए, खासकर फीचर्स की अगर बात करें तो। और इस एक पेंसिल के ही बदौलत आप पूरे फीचर्स को एटलीस्ट ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हेयर्स वगैरह में डेफिनेटली आप हायर ग्रेड की पेंसिल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक फीचर्स की बात है तो 4B सफिशिएंट इनफ। और जैसे मैंने पहले बताया फ्रेंड्स कि आपको कम से कम पेंसिल यूज़ करने की आदत डालनी चाहिए। एक ही पेंसिल पे आपका इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आप कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और कौन से रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करना है आपको कि जैसे आपने कुछ हल्की शेड्स दिए, उसको फिर थोड़ा सा रफ़ करना है स्मच करके। मैं यहाँ पर वाटर कलर ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग स्मजिंग टूल्स भी यूज़ करते हैं, ब्लेंडर्स यूज़ करते हैं, बट मुझे तो वाटर कलर ब्रश ही अच्छा लगता है, ठीक लगता है इसके लिए। उससे जो है पेंसिल की जो शेड्स होती हैं वो भी प्रॉपरली दिखाई देती हैं और वो काफ़ी अच्छा माना जाता है आर्ट्स में। सब कुछ अगर स्मज कर देंगे तो फिर वो बिल्कुल फ़ोटो जैसा बन जाता है। तो थोड़ा सा उसको स्केची भी रहने दें। अब फ्रेंड्स, जैसे एक लेयर आपने चढ़ाया तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक लेयर पे ही कोशिश करें कि सब कुछ सारी वैल्यूज़ एक लेयर पे ही ऑप्ट कर लें, तो धीरे धीरे इनिशिएट करें। और यहाँ पे आप जैसे मैंने बताया, मैं अभी देखिए क्रॉस हैचिंग को यूज़ कर रहा हूँ। डायगोनल, पहले एक डायगोनल शेड्स दे रहा हूँ और उसके बाद थोड़ा सा वाटर कलर ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ थोड़े से उस सरफेस को रफ़ करने के लिए। हालांकि अगर हम कार्ट्रिज पे करते तो फिर उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा वाटर कलर ब्रश की, लेकिन आइवरी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है वो, क्योंकि आइवरी पे बहुत स्मूथ पेपर होता है ऐसे मैंने बताया। तो उस पे सारे रिजल्ट्स लाना खाली पेंसिल की बदौलत इतना ईजी नहीं होता, तो उसमें लाइन्स बहुत रिवील होती हैं जो आप लाइन्स ड्रॉ करते हैं हैचिंग की।
तो उसमें थोड़ा सा स्मच करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं। और जैसे आइज के अंदर के आई बॉल के एरिया है, वहाँ पे आप डेफिनेटली ब्लेंडर्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। मुझसे लोग पूछ रहे थे कि फिर ब्लेंडर को हम कहाँ यूज़ करें, तो ब्लेंडर को आप जैसे बहुत स्मॉल एरियाज़ हैं जहाँ पे आप वाटर कलर ब्रश नहीं चला सकते या फिर फिंगर से भी नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली ब्लेंडर्स को यूज़ करिए, क्योंकि वहाँ आप फिंगर्स करेंगे तो और ख़राब हो जाएगा, या फिर ब्रश से करेंगे तो भी ख़राब हो जाएगा वो। तो स्मॉल एरियाज़ जो हैं, जो पॉइंटेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे आप ब्लेंडर यूज़ कीजिए, पेपर स्टम्प यूज़ कीजिए। और इसमें लेयर बाय लेयर काम करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो मैं आइवरी यूज़ कर रहा हूँ ये एटलीस्ट 300 GSM की है, तो अच्छा पेपर की थिकनेस काफ़ी अच्छी है और आप काफ़ी लेयर ऑप्ट कर सकते हैं इस पे। तो अभी ये दो ही लेयर हैं इस पे जो मैं राइट है जो मैंने अभी इनिशिएट की है, इस पे और भी लेयर्स अलाउ की जा सकती हैं। बट जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि आप पूरा एक एक पोर्शन को फिनिश करते हुए मत चलिए, उससे फिर क्या होता है कि आपकी ग्रेफाइट की वैल्यू आपको नहीं समझ में आती है और बाद में कुछ का कुछ बन जाता है, कहीं ज़्यादा टोन्स आ जाती हैं कहीं कम टोन्स आती हैं। तो शुरू में एक या दो लेयर तक चढ़ाइए, 3 लेयर तक चढ़ाइए, उसके बाद फिर जब फाइनल जब फिनिश होने लगे तो फिर उसके बाद फिर से एक दो लेयर और चढ़ाने की कोशिश कीजिए, कि जिससे आपको भी ये आइडिया लगे कि कहाँ जा रहा है मेरा ये पोर्ट्रेट और कितनी वैल्यूज़ मुझे और देनी है उस पर। और फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने मुझसे ये भी बोला था कि हम केवल फ़न के लिए आर्ट करते हैं और स्किल्स सीखना हमारे लिए उतना कॉन्शियस में नहीं है हमें। तो फ्रेंड्स, मैं उसमें यही सजेस्ट करूँगा कि डेफ़िनेटली आप फ़न के लिए कीजिए आर्ट, लेकिन अगर उसमें आप स्किल्स सीख लेंगे तो उस फ़न को और अच्छे तरह से कर पाएंगे। जैसे कि कोई हॉबी होती है, अगर आप उसको एज अ हॉबी रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उसको कहेंगे कि हम मुझे उसमें कुछ सीखना ही नहीं है। तो डेफ़िनेटली आप कोशिश कीजिए उसमें सीखने की, और अपने आप को थोड़ा सा स्किलफुल बनाएंगे तो उस हॉबी को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो देखते हैं आपके आर्ट वर्क को, वो भी काफ़ी आपको अप्रिशिएट करेंगे, तो उसमें आपका फ़ायदा ही है फ्रेंड्स कुछ स्किल्स सीखने में। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्किल्स को भी सीखिए, एज अ फ़न लेना बहुत अच्छी बात है आर्ट को और लेना भी चाहिए, लेकिन कुछ अगर स्किल्स उसमें सीख लेते हैं तो वो आपके लिए ही एडवांटेजेस है। अब आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि मैंने 2 लेयर तो ऑलमोस्ट ऑप्ट कर ली हैं आइस पे, और इस पे बहुत लाइट्स पड़ रही हैं इसलिए ये सारी लेयर्स दिख नहीं रही हैं। मैं इसको कोशिश करूँगा कि लाइट को थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में करने की, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है बहुत शाइनी होता है, तो वो ग्रेफाइट इस पे शाइन कर रहा है वैल्यूज़ पे, और ये पेपर भी काफ़ी स्मूथ होता है इसलिए उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब देखिए मैंने थोड़ा सा एंगल चेंज किया है लाइट का, हाँ यहाँ पे मैंने लाइट का एंगल थोड़ा सा चेंज करके देख रहा हूँ मैं। देखिए काफ़ी 2 लेयर्स तो ऑप्ट हो गई हैं फ्रेंड्स इसमें, अब हम आगे बढ़ रहे हैं फर्दर। और शुरू में आप ये मत सोचिए फ्रेंड्स कि मेरे फीचर सही नहीं बन रहे तो मैं वहीं पे ड्राइंग छोड़ दीजिए या फिर उसको करेक्ट करने लग जाइए। आप धीरे धीरे इनिशिएट कीजिए, हो सकता हो एक बार में ना बने, लेकिन 2 बार 3 बार 4 बार में ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। तो एक बार में ही सब कुछ नहीं हो जाता फ्रेंड्स, तो आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए। जैसे मैंने बताया, जो पॉइंटेड एरियाज़ हैं, जो स्मॉल एरियाज़ हैं, वहाँ पे मैं पेपर स्टम्प को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो सारी पेंसिल है, जो शेड्स हैं, उस सबको घिसने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे मैं वाइट इरेजर पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, कोहिनूर ब्रांड की, वाइट एरियाज़ को ऑप्ट करने के लिए। ये एक इरेजर पेंसिल है, और देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया था डायगोनल डायरेक्शन में मैं शेड को इनिशिएट करता हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, और थोड़ा सा उसको वाटर कलर ब्रश से स्मच कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा
तो इस तरीके से फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल आज का पसंद आया होगा जिसमें मैंने आइस पे बात की है। अभी इसके नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में अदर फीचर्स पे भी मैं बात करूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। तो फिर फ्रेंड्स, उसको भी देखिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू वंस अगेन।